हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉम्प्लिकेटेड स्टडी। आज हम देखेंगे राजनीतिक विज्ञान के 30 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो आपके राजनीतिक विचारधारा, व्यक्तिवाद, उदारवाद और समाजवाद टॉपिक से रिलेटेड होंगे। यह खास करके बीए एग्जाम के लिए होगा, लेकिन इसके साथ साथ अगर आप यूजीसी, नेट, यूपीएससी या फिर स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो है, समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? आपके ऑप्शंस हैं लेनिन, कार्ल मार्क्स, रॉबर्ट ओवन और हीगल। दोस्तों, अगर आपको इसका आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में आंसर लिख सकते हैं। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी रॉबर्ट ओवन के द्वारा। दूसरा क्वेश्चन है, लोकतंत्र में किसका प्रकार हित स्पंदन है? गैर सरकारी संगठन, नागरिक समाज, दबाव समूह या फिर न्यायपालिका। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दबाव समूह का। तीसरा क्वेश्चन है, समाजवाद का संबंध मुख्यतः निम्न में से किस वर्ग से है? पूंजीपति, सैनिक, श्रमिक या फिर उत्पादक। देखिए दोस्तों, अगर हम समाजवाद का जो संबंध की बात करें तो मुख्य रूप से वो श्रमिक से होता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत निम्न में से किसका है? आपके ऑप्शन है वैज्ञानिक समाजवाद का, उदारवाद का, फांसीवाद का, व्यक्तिवाद का। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी वैज्ञानिक समाजवाद का। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मार्क्सवाद से संबंधित नहीं है? आपके ऑप्शन है इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, वर्ग संघर्ष, अतिरिक्त मूल या फिर यदामात्म। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी यदामात्म। छठा प्रश्न है, उदारवाद का मूल तत्व है व्यक्तित्व स्वतंत्रता, मिश्रित अर्थव्यवस्था, पंथ निरपेक्षता या फिर समानता। उदारवाद का जो दोस्तों मूल तत्व होता है वो होता है व्यक्तित्व स्वतंत्रता, तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, व्यक्तिवाद का नैतिक अचेत किसने प्रस्तुत किया? ग्रेसियस ने, हार्बर्ट स्पेंसर ने, एडम स्मिथ ने या फिर लास्की ने। जो व्यक्तिवाद का नैतिक अचेत्य जो है वह लास्की ने प्रस्तुत किया था, तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आठवां प्रश्न देखेंगे, निम्नांकित में कौन सा दृष्टिकोण उदारवाद के सिद्धांत से संबंधित है? प्रतिस्पर्धी समूह, पराधीन वर्ग, वर्ग संघर्ष या फिर वर्गविहीन समाज। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी प्रतिस्पर्धी समूह। नवा प्रश्न है, एक राज्य जो अपने नागरिकों को अधिकतम सामाजिक सुविधाएं प्रदान करे कहलाता है? ये तो काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको मेरे हिसाब से पता होना चाहिए और इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया है कल्याणकारी राज्य पे, जो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आई बटन में, या फिर आप हमारे चैनल में जाके देख सकते हैं। काफ़ी अच्छा वीडियो है, जरूर देखिए, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। दसवां प्रश्न है, मैक्स वेबर, तुर्कीम और पेरेटो को राजनीति शास्त्र के किस उपागम से जोड़ा जाता है? दार्शनिक उपागम, आर्थिक, आध्यात्मिक या फिर समाज शास्त्रीय। दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा समाज शास्त्रीय, यानी ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, और आप चाहते हैं कि इस तरह के वीडियो या फिर इससे रिलेटेड वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले और वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर इसको शेयर करें। अगर आप वीडियो का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए देखते हैं ग्यारहवां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका उदारवाद से मेल नहीं है? बुर्जुआ राज, प्रतिनिधि सरकार, लोक कल्याणकारी राज या फिर सीमित सरकार। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बुर्जुआ राज। बारहवां प्रश्न है, राज्य साधन है साध्य नहीं, जो सिद्धांत है उदारवाद का, व्यक्तिवाद का, फांसीवाद का या फिर वैज्ञानिक समाजवाद का। देखिए, यह जो कहा गया है राज्य साधन है साध्य नहीं, यह कहा गया था व्यक्तिवाद में, यानी यह व्यक्तिवाद का सिद्धांत है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। तेरहवां प्रश्न है, उदारवाद किसका हित चाहता है? अभिजात वर्ग का, धनवानों का, निर्धनों का या फिर सबका। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी,
उदारवाद जो है केवल धनवानों का हित चाहता है। 14वां प्रश्न है, मानव विवेक में आस्था निम्न में से किस विचारधारा में है? समाजवाद में, उदारवाद में, वैज्ञानिक समाजवाद में या फिर फांसीवाद में? देखिए, अगर हम मानव विवेक में जो आस्था की बात करें तो मुख्य तौर पे जो है उदारवाद में है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 15वां प्रश्न है, फांसीवाद का जन्म किस देश में हुआ? यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे आप जरूर नोट कर ले, यह पूछा ही जाता है लगभग एग्जाम में। आपके ऑप्शंस जो यहाँ पे दिए गए हैं, अमेरिका, भारत, इंग्लैंड और इटली, लेकिन इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इटली। फांसीवाद का जो जन्म हुआ था इटली में हुआ था, और फांसीवाद से रिलेटेड आपको कुछ टॉपिक है उसको भी जरूर पढ़ लेना है, जिससे रिलेटेड आपको वीडियो इस चैनल पर मिल जाएंगे और काफ़ी जल्द अपलोड भी हो जाएगा। 16वां प्रश्न देखते हैं, इटली में फांसीवाद का उदय का परिणाम था पुनर्जागरण का कारण, प्रथम विश्व युद्ध का, नेपोलियन युद्ध का या फिर औद्योगिक क्रांति का? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रथम विश्व युद्ध का। 17वां प्रश्न है, किस विचारधारा ने निजी संपत्ति को प्रगति की आवश्यक शर्त माना है? आपके ऑप्शन है समाजवाद, उदारवाद, व्यवहारवाद या फिर सामंतवाद। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी उदारवाद। 18वां प्रश्न है, सामाजिक न्याय की अवधारणा पर निम्न में से कौन बल देते हैं? आपके ऑप्शन है मार्क्सवादी, उदारवादी, व्यक्तिवादी या फिर बहुदलवादी। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मार्क्सवादी। 19वां प्रश्न है, संपत्ति के अधिकार की मांग किसने की? मार्क्सवाद, उदारवाद, समाजवाद या फिर गांधीवाद? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी संपत्ति के जो अधिकार की मांग की थी उसने उदारवादियों ने की थी, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न है, आर्थिक मानव की संकल्पना किसने प्रस्तुत की? रिकांडो ने, जॉन लॉक ने, हर्बर्ट स्पेंसर ने या फिर एडम स्मिथ ने? तो आर्थिक मानव की जो संकल्पना थी वो एडम स्मिथ ने प्रस्तुत की थी, तो डी आपका सही आंसर हो जाएगा। 21वां प्रश्न है, आर्थिक क्षेत्र में व्यक्तिवाद का महान समर्थक कौन है? ऑप्शन है आपके बेंथम, हर्बर्ट स्पेंसर, लास्की या फिर एडम स्मिथ। तो आर्थिक क्षेत्र में अगर हम व्यक्तिवाद का महान समर्थक की बात करें तो वो केवल एक ही है, वो है एडम स्मिथ, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। 22वां प्रश्न है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा गया था, मतलब किसके द्वारा लिखा गया था यही, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद कर लेना है। इसका ऑप्शन जो दिया गया है, एंजेलिस द्वारा, प्रोधा द्वारा, लेनिन द्वारा या फिर कार्ल मार्क्स के द्वारा। अगर हम कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की बात करें तो ये जो कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया है, तो इसको आप जरूर याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किसे नव उदारवादी समझा जाता है? मेकाइवर को, लास्की को, हेयक को या फिर ग्रीन को? नव उदारवादी, नव उदारवादी जो समझा जाता है वो केवल हेयक को समझा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। 24वां प्रश्न, किसने कहा है कि मार्क्सवाद खुले समाज का दुश्मन है? कॉल पॉपर ने, एक्टन ने, लास्की ने या फिर फुकुयामा ने? देखिए, यहाँ जो है कॉल पॉपर का जो मानना था, जो मार्क्सवाद जो है वो खुले समाज का, यानी जो स्वतंत्र समाज का दुश्मन है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। 25वां प्रश्न है, इंग्लिश यानी ब्रिटिश उदारवाद में समष्टिवादी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बोसांके ने, वेल्डले ने, ग्रीन ने या फिर उपयुक्त सभी ने? देखिए, अगर हम ब्रिटिश उदारवाद की बात करें तो इन सभी ने मिलकर किया था, यानी तीनों ने मिलकर किया था, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी ने। यानी आपको इन तीनों का याद नाम जो है याद रखना है, कहीं पे इन तीनों का नाम के अलावा दो का दे दिया जाए और एक का नहीं दिया जाए तो आप केवल इन दोनों को ही टिक करेंगे, केवल दो लिखा रहेगा या फिर किसी एक का नाम दिया रहेगा, तो आप इस तीनों का जो नाम है आपको याद रखना है। 26वां प्रश्न है, गांधी जी ने अपनी व्याख्या की है उदारवादी के रूप में, समाजवादी के रूप में, सामाजिक लोकतांत्रिक के रूप में या फिर दार्शनिक अराजकतावादी के रूप में? तो जो गांधी जी थे वो अपने आप की जो व्याख्या करते हैं उसमें वो अपने आप को दर्शाते हैं कि वे एक दार्शनिक अराजकतावादी हैं, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। 27वां प्रश्न है, लेनिनवाद की खोज किसके द्वारा की गई थी? यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसमें जो ऑप्शन है, ट्रॉट्स्की ने, स्टालिन ने, मार्क्स ने और माओ ने? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा स्टालिन, यानी ऑप्शन नंबर बी।
28वां प्रश्न है, वैज्ञानिक व्यक्तिवाद की अवधारणा का विकास किसने किया? एडम स्मिथ, बेंथम, मिल या फिर स्पेंसर? तो जो वैज्ञानिक व्यक्तिवाद है, इसका जो अवधारणा है, इसका विकास जो किया है वो स्पेंसर ने किया, यानी ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। 29वां प्रश्न है, राज्य शेषक वर्ग की कार्यकारिणी समिति है, यह विचार किससे संबंधित है? अराजकतावादियों से, मार्क्सवादियों से, फासीवादियों से या फिर व्यक्तिवादियों से? तो इसका सही आंसर होगा मार्क्सवादियों से, यानी ऑप्शन नंबर बी। 30वां प्रश्न देखेंगे, निम्न में से उदारवाद का जनक किसे माना जाता है? एडम स्मिथ को, जेरमी बेंथम को, जॉन लॉक को या फिर हर्बर्ट स्पेंसर को? देखिए, उदारवाद का जनक जो माना जाता है वह माना जाता है जॉन लॉक को, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, और अपने दोस्तों के साथ या फिर अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इसे जरूर शेयर करें, और अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए ये भी बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।